अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। शो मी तुर्की, हलील बेकर हमारे फेवरेट फिल्म मेकर हैं। हमने इनके ऊपर काफ़ी रिएक्शंस किए हैं, काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो काफ़ी लंबा गैप आ गया इनकी वीडियो के ऊपर। लेकिन हमें अभी दोबारा एक लिंक मौसूल हुआ और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इनका एक नया लिंक भी आया है और रिसेंटली आया है, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ वेस्टर्न ब्लैक सी ऑफ तुर्की। ब्लैक सी के बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी भी है, हमें उसकी अहमियत का भी पता है कि कितना अहम हिस्सा है वो तुर्की का और कितनी वॉर्स और कितनी हिस्ट्री है उस एरिया की। तो हमने उसको अभी तक देखा नहीं हुआ था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। तो फ़ौरन चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन चैनल से पहले जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको रिएक्शन पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चले फौरन देखते हैं इस क्लिप में क्या दिखाया गया है। This time I decided to explore Western Black Sea of Turkey. As I was exploring, camera के साथ, हाँ, shirt भी camera के ऊपर से उतार ली। Wow. Good. I pulled my brother. Wow. Together we explored the beaches of Kure Mountain in Kastamonu. अपने भाई को साथ ले। The first stop was the Valley of Horla. Wow. कितना अच्छे से अच्छा बना पहाड़, पूरा पहाड़ों के जैसे पूरा रास्ता बना हुआ है। देखो खूबसूरत, कितना लंबा है, देखो इसी में बोट लगाया हुआ है। Just around the corner of this valley lies a beautiful waterfall called Lija. We decided to hike up there. Lija. Wow. इनके ये होता है, ये ट्रांजिशन इसकी बहुत अच्छी है। वाह देखे कितना खूबसूरत है। नेक्स्ट स्टॉप वाज द ग्रेट कैनियन ऑफ वाला, द सेकंड बिगेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड। खूबसूरत जंगल लग रहा है। पूरा यहाँ पर जानवर वगैरह भी होते होंगे ना। हाँ दिस कैनियन वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ये देखिए उन्होंने बनाया है। चट्टान के ऊपर चढ़ के लकड़ी का बनाया हुआ सिर्फ। ये डेंजरस नहीं होगा, ये बताइएगा थोड़ा सा इसके बारे में। काफी बड़े बड़े पहाड़ है। बहुत ये देखिए, देखते थे कोई होटल या कुछ इस तरह बनाया हुआ कुछ। सो दरख्त कितना अच्छा लग रहा था, व्यू एरिया ये। This was our first day, and in the evening it started raining heavily. We found out that the rain would go on for 2 days, so I went home and I continued my journey in Western Black Sea. Natural things are there. After the rain, it was just beautiful. माशाल्लाह। I heard that there was more snow on the other side of Kastamonu, Ilgazman, so I went there. देखिए जब वहां जाते हैं तो उनको पता है कि मुझे इसके पास क्या लगाना है, पूरा प्लान करते हैं। My Kastamon adventure ended. Wow. My next stop was Saframbul, where things got a little bit complicated. I searched for a place to stay, but every hotel was full of book. One of my followers, Özgür, invited me to hang out with his friends and stay at his place in Saframbul. So they took me out and showed me the old city where the atmosphere was so vivid. Wow.
everything was perfect until कैब चली गई. I can do magic. I can do magic. वापस आ जाएगी. Good. In Jakaya Quadak, where I had to kind of break an entry. Wow. इस साइड पे है ना दीवार. चाइना वॉल जैसा है ना. चाइना वॉल. किसी. Then I went on to my next location. Next location. Wow. Whoa, very nice. Yes. ट्रांजिशंस में मजे किए हैं ना चीजों को आगे आगे आपस में मैच करना. फोर कलर्स ऑफ इन ज़ोंगुलाक आई हैड ओनली वन मिशन टू सी 4000 इयर्स ओल्ड ट्री. टू डू दैट वी हैड टू ड्राइव फॉर 2 आवर्स एंड टेक अ हाइक फॉर एन आवर. 2 घंटे की ड्राइव है और 2 घंटे की हाइक है. वाओ. सेफ होगा ये एरिया. सेफ होगा. इट वाज वर्थ एवरी स्टेप बिकॉज़ द पाथवे इन द वुड्स वाज इनक्रेडिबल. Having finished the hike, we drove to the next city. On my way, I witnessed some pretty amazing views. Oh, wow. Soon, I arrived in Barton. Together, we explored the Güzelcehisar beach before she sees me off to the city of Bolu to meet my friend Murat. कितना अच्छा बना है. खूबसूरत कि बीच है क्या है? इतना सुकून से आराम आराम से आ रहा है वो देखो. ये आइलैंड टाइप कुछ है. कैसे भाग रहे हैं वो देखो. वाओ. ओ कितना अच्छा लग रहा है. शैडो पेंटिंग लग रही है ये. वाओ. शैडो पीला ग्रीन ब्राउन तो पता है ना फोर कलर का. वंस अगेन यू हर्ड माय स्टोरी. सी यू नेक्स्ट टाइम. सी यू नेक्स्ट टाइम. यस हलील बेकर विजुअल आर्टिस्ट. यस सी यू नेक्स्ट टाइम. बहुत ही अच्छा था हलील बेकर. अपडेट हम मैं कर दूं अपनी बात का कि नाउ ही इज अ विजुअल आर्टिस्ट नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर. वैसा ये बिल्कुल सही बात है. जिस तरह की वीडियो बनाते हैं इतनी प्लानिंग के साथ इनकी ट्रांजिशंस इनकी हर चीज़ पे बहुत मेहनत हुई होती है और बहुत उसको करना पड़ता दिमाग से करना पड़ता है सोच ही करना पड़ता है. तो बहुत ही अच्छा काम था और जगह तो बहुत ही खूबसूरत. क्यों फिरा? बिल्कुल मज़ा आ गया देख के. लग ही रहा था ओरिजिनल है. लग रहा था पेंटिंग्स हुई हुई है किसी की. इमेजिनेशन पेंटिंग्स होती हैं और उसको दिखाया इतने अच्छे तरीके से जाता है. हम तो शुरू से हलील बेकर के फैंस हैं. हमने तकरीबन सारा इनका चैनल ऑलमोस्ट काफ़ी वीडियोज़ इनकी की हैं और हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि कब इनकी नई वीडियो आए. तो अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं और कौन कौन से सिटीज़ में और कौन कौन से एरियाज़ ये दिखाए. लेकिन इनकी ट्रांजिशंस इनकी चीज़ें और दिखाने का तरीका इतना मज़े का है. शुरू में किस तरह वो एक आया कहते हैं अपने भाई को वहीं से साथ लेकर वहीं से बाहर आ गया जंगल में. तो बहुत ही खूबसूरत हर चीज़ बहुत खूबसूरत. वहाँ के जंगल वहाँ के पहाड़ वहाँ पर कितना अच्छा उन्होंने अगर बनाया भी हुआ है वो इतने पहाड़ों पे उन्होंने व्यू के लिए कितना अच्छा सेफ बनाया हुआ है लोगों के लिए. और स्टेयर्स बनाई हुई अनबिलीवेबल के इतना खूबसूरत इतना सेफ हर जगह पे. बहुत ही अच्छा था. मज़ा आ गया देख के. तो बस ये वीडियो देख के हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ने तुर्की को बहुत ज़्यादा खूबसूरती नवाजी हुई है. जन्नत है. जन्नत है ऑलमोस्ट. और बहुत खूबसूरत. हम कोई वर्ड नहीं है हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर सकें. हमने हमेशा इस तरह के जो व्यूज़ हैं पेंटिंग्स में देखे हुए हैं या कोई बहुत ही पिक्चर्स होती हैं लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर लाइवली आप देख सकते हैं. असल में वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं. बहुत खूबसूरत था. थैंक यू सो मच जिन्होंने हमसे लिंक शेयर किया. इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में. हलील बेकर को ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और इनके साथ साथ हमें भी लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर अगली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहा करें. इसी खूबसूरत वीडियो के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपने घरों में महफूज रहेगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.